गुड मॉर्निंग मित्रों, तो सुबह की बज रही है 7 और आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। तो मित्रों मैं जा रहा हूँ मंदिर रोज की तरह, तो वीडियो बने रहना, जाना कहीं मत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अपन निकल चुके हैं घर से मंदिर जाने के लिए, तो चलते हैं। तो भाई लोगों, वीडियो ने शेयर जरूर करना दोस्तों में, और अगर नए हो तो पेज को फॉलो जरूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कैसे लग रही हो। हमारे तो रोज को हमें मैं आऊँ सुबह सुबह डेली मंदिर जाऊँ दर्शन करने वास्ते। भगवान से विनती करा कि मुझे भी मैं सफलता मिल जाए। सफलता यहाँ मिल रही है कि मित्रों मेरा सब्सक्राइब तो पूरा हो गया है, अब वॉच टाइम कम पड़ रही हो, तो उम्मीद करा कि हमारा वॉच टाइम ही जल्दी पूरा हो जाए। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मेरा वॉच टाइम जल्दी पूरा हो जाएगा, अन्यथा तो असंभव, नहीं तो असंभव को भी संभव कर सकते हो आप, यह सब आपके हाथ में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो तो माफ़ करना है, क्योंकि मैं नया नया हूँ तो आपको थोड़ा देखने में अनफील होगा क्योंकि मैं इतना वीडियो बनाता नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा वीडियो ज़्यादा देखें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं भी इन लाभ उठा सकूं। तो बना रहना वीडियो में, जाना कहीं मत। भाई लोगों, मैं आपने मोर दिखाऊं, और देखो मोरनी से बोलते हैं, मादा मोरनी, कितना सुंदर मोर है ये देखो, अति सुंदर, देखने में कितना सुंदर दिख रहा है। आप जरूर बताना कमेंट में कैसा दिख रहा है। तो मित्रों ये सामने है स्कूल, और इसके पीछे से ये रास्ता जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मोर और है, ये है मादा मोर, नर मोर मादा मोर दोनों यहाँ पे स्थित है। तो मैं यहाँ पे हूँ फिलहाल इस मंदिर के पास, पीछे वो वाला मंदिर जो मैं वहाँ दर्शन करके आ चुका हूँ, अभी लगी हुई भीड़ क्योंकि पता नहीं गाय के बिछड़ा बीमार है इसलिए। तो मैं देख सकते हो आप, और अब जाता हूँ सामने वाला मंदिर। ये देखो मोर कितना सुंदर दिख रहा है, अगर ये अपना पंख फैला दे तो बहुत ही अच्छा दिखता है, कितना सुंदर लगता है। तो अपने ये गेट किया बंद, और अपन चलते हैं वहाँ पे वापस काड़ू सिंह के मंदिर। तो मित्रों मैं ये देख सकते हो आप गांव का टावर, मैं निकल चुका हूँ मंदिर से दर्शन करके, अब घर जाने की तैयारी है। हाँ तो मित्रों मैं ये कह रहा था कि वीडियो पूरा ज़रूर देखे, दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे भी इस चीज़ का थोड़ा लाभ मिले। आप मेरे आजूबाजू देख सकते हो, ये रास्ते में गोबर डाला हुआ है, यहाँ पर भी गोबर है, और बीच में से इतनी एक बाइक आ जा सके, सिर्फ सामने आ गई तो उधर पीछे खड़ी करनी पड़ती है, एक ही रास्ता एक बाइक ही निकल सकती है यहाँ से। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप दोस्तों में शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, ताकि मुझे इसमें थोड़ा लाभ मिल सके, क्योंकि मैं भी दाल रोटी के चक्कर में यहाँ पर आया हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, और ये स्कूल जो कि साइड स्कूल है वाली,